हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यस, एलिजा व्लॉग में आपका स्वागत है। और मैं अभी सो के उठी हूँ, जो कि आपको दिख रहा है मैं अभी बेड ही पे हूँ। और टाइम हो रहा है 9:31, मतलब 9:30 बज चुके हैं। और कभी कभार हो जाता थोड़ा सा लेट। और आज है बर्थडे, सो यस, मेरा है बर्थडे और भाभी का भी बर्थडे है। अगर भाभी आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और आज मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जाऊँगी, क्या कर रही हूँ, क्या क्या कर रही हूँ, क्या पहनूँगी, वो सारी चीज़ें ब्लॉग में ज़रूर बताऊँगी। प्लीज़ बने रहिएगा ब्लॉग में। आज का ब्लॉग सच में बहुत अच्छा होगा, कोशिश करूँगी कि आज का ब्लॉग सच में बहुत अच्छा रहे। और लेट उठने का कारण कुछ भी नहीं है, कल लेट सोए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फ़ोन भी आ रहे थे सबके, और फिर उसके बाद मेरी नींद चढ़ गई, तो फिर नींद नहीं आई, तो थोड़ा लेट सोने के कारण ही नींद आ रही है अभी भी थोड़ी थोड़ी। और आज जो भी करूँगी सब बताऊँगी आपको, जहाँ जाऊँगी, जिससे मिलूँगी, पार्टी करूँगी या केक काटूँ, कुछ भी करूँगी, तो वो सारी चीज़ मैं ब्लॉग में बताऊँगी आप लोगों को। इसलिए प्लीज़ आज बने रहिएगा ब्लॉग में मेरे साथ। मिलते हैं हम आपको थोड़ी से देर में। सो गाइस, ये है बहुत प्यारा पेड़, हमारे घर के पास है जो कि, और ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है ना, नज़ारा है वहाँ पे, बहुत सारे वो है पहाड़, ऊपर आप देख सकते हैं, बहुत थोड़े से ही पास में पहाड़ है और नीचे रोड चलती है। सो देखा आपने कितना अच्छा लगता है यहाँ पे, इसलिए मैं रोज़ आ जाती हूँ छत पे, कभी कभार, रोज़ तो नहीं, हाँ रोज़ आती हूँ, मगर सुबह के टाइम में कभी कभार आती हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी पानी गिर रहा था, काफ़ी मतलब कुछ टाइम से पानी गिर रहा था, तो पानी गिर रहा था तो मैं नहीं आ रही थी यहाँ पे। सो गाइस, हमारा समर बनना स्टार्ट हो चुका है, इसमें सब्जियाँ पक रही है, टमाटर, बैंगन और लौकी वगैरह, इसे आप देख ही सकते हैं कितना यम्मी लग रहा है देखने में। और ये रही तुअर दाल, जिसे हम राहर की दाल भी बोलते हैं, और ये जो दाल है इसको साफ़ कर लिए थे, धो लिए हैं और अभी इसको रख दिए हैं। सब्जी हल्की सी पक जाए फिर उसके बाद हम इसमें ये तुअर दाल डालेंगे। ये है नारियल, जो कि इसको छील लिया है, थोड़ा सा काट लिया है, अब हम इसकी बनाएंगे नारियल और मूँगफली की चटनी। तो अब हम इसे पीस लेंगे, इसमें नारियल है, मूंगफली है और लहसुन है 2-3, और 2 हरी मिर्ची है, बाकी नमक वगैरह हम देख लेंगे बाद में डालेंगे। चटनी ऑलमोस्ट हमारी तैयार हो चुकी है, अब हमें इसमें तड़का लगाना है, तो तड़का लग जाएगा फिर ये कंप्लीट हो जाएगी पूरी से। सो गाइस, आप देख सकते हैं चटनी हमारी रेडी हो गई है, बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में, और ये तो बनके तैयार हो गया है, अब सांभर की तैयारी करना है। सो गाइस, देखिए सांभर हमारा तैयार है, और अभी इसमें लगना है तड़का, तो अभी ये 70% कंप्लीट है और 30% है जो वो अभी अनकम्प्लीट है, तो चलिए अब इसको हम कंप्लीट करते हैं। ये देखिए गाइस, अभी इसको मैं उबाल आएगा फिर हम सांभर को बंद कर देंगे, तो ये देखिए सांभर कितना अच्छा दिख रहा है देखने में, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। सो गाइस, खाना बन ही चुका है, अभी थोड़ा और बाकी है, आधा खाना बन चुका है, आधा बाकी है, और अब मैं जा रही हूँ नहाने, और फिर नहा के फिर मैं आप लोगों से बाद में बात करूँगी, तैयार हो जाऊँगी जब मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैंने क्या पहना है। मेरे पास वैसे 2-3 न्यू ड्रेस है जो अभी खरीदी है, तो देखते हैं उसमें से मैं कौन सा पहनती हूँ। सो गाइस, मैं हो चुकी हूँ रेडी नहा के, और ये है मेरे नए कपड़े, और ये है मेरी हील सैंडल। सो मैं दिख रही हूँ ऐसी, और बहुत ही प्यारा, ये प्यारा सा टॉप है, हुडी टाइप टॉप है। और अब मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि मार्केट मुझे केक लेने जाना है,
मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं दिन में ही सब कुछ कर लूँगी, शाम तक रात तक इतना एंजॉय, मतलब केक वगैरह नहीं काट सकते शाम तक, क्योंकि हो सकता कि मैं बाहर चली जाऊँ अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने, तो पार्टी वगैरह देने, तो अभी मुझे कुछ पक्का नहीं पता है। तो चलिए मैं जा रही हूँ मार्केट और केक लेके आते हैं। सो गाइस, हम आ चुके हैं मार्केट से केक लेके और अब इडली की तैयारी हो रही है, तो बस इडली तैयार हो जाए, बड़ी मम्मी आने ही वाली हैं घर। और अब मैं इसको थोड़ा सा सोच रही हूँ चेंज कर दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही, देखते हैं चेंज करते हैं या नहीं, वो मैं आपको आगे ही बताऊँगी। और केक आपको बस थोड़ी सी देर में दिखाते हैं। सो गाइस, खाना पीना हो चुका है सबका, सबने खाना खा लिया है। मैंने बनाया था इडली सांभर और नारियल और मूंगफली की चटनी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। केक भी कट हो चुका है और शाम को क्या है वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि मुझे अभी खुद नहीं पता कि शाम को क्या हो रहा है। और बहुत अच्छा लगा, बड़ी मम्मी आई थी, अभी ही गई हैं वो अपने घर, इसलिए मैं कोई ब्लॉगिंग नहीं बना पाई, कोई ब्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं बना पाई, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी। और ये टॉप मैं बदल चुकी थी, जो मैं पहनी थी कपड़े वह मैंने बदल दिया था, क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत तेज़ गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और ऊपर से लाइट भी गुल हो गई थी, और फिर ये घर का एक टॉप डाल लिया, पहन लिया। और अब हम सब करेंगे थोड़ा सा रेस्ट, शाम को क्या है क्या करेंगे वो मुझे नहीं पता है, मगर हाँ इतना ज़रूर पता है कि कुछ तो करेंगे, शायद हो सकता कि मैं कहीं घूमने जाऊँ, या फिर बड़ी मम्मी के यहाँ भी जा सकते हैं हम, या फिर मेरे दोस्त लोग भी घर आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है शाम को, कुछ भी नहीं पता है, तो देखते हैं क्या होता है शाम को। और ये था हमारा छोटा सा बर्थडे पार्टी, ज़्यादा कुछ नहीं था, ज़्यादा लोग नहीं आए थे, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि मुझे सर्दी है, जुकाम है, तो मैं ज़्यादा लोगों को नहीं बुला सकती अपने घर, क्योंकि मेरे साथ और भी जो लोग हैं उनको कुछ ना हो इसलिए। और वैसे बड़ी मम्मी के यहाँ भी पहले बहुत सारे बच्चे थे, उनके बहुत सारे बच्चे, मतलब बताती हूँ, 3 बच्चे थे जिनकी एक की शादी हो गई दीदी की, एक दीदी बाहर है और एक भैया है, तो वो घर पे थोड़ा रहते हैं, कम रहते हैं, और वो काम जॉब करते हैं, तो वो अपनी जॉब के कारण हमारे यहाँ नहीं आ पाए, नहीं तो थोड़ा बहुत अच्छा लगता। तो बस यही सब है, थोड़ा कमी लोग थे, तो बस बड़ी मम्मी थी, तो बड़ी मम्मी बस थी, काश अगर दीदी लोग होती तो अच्छा लगता, और भी अच्छा लगता। खैर, दीदी लोग अभी जस्ट आने वाली हैं, जल्दी आ जाएंगी, एक दीदी आएंगी अभी रक्षाबंधन में, दूसरी दीदी शायद दीपावली के टाइम पे आएंगी, तो देखते हैं क्या है, फिर मिलवाऊंगी आप लोगों को मिलवाऊंगी दीदी लोगों से। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ मैंने ही बनाया है, मैंने ही करा है, कुछ कुछ मम्मी ने भी किया है, मम्मी ने भी बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की है, चाहे वो खाना बनाने के लिए हो या फिर कुछ भी हेल्प हो, घर की साफ सफाई वगैरह और सारी चीज़ें हैं जो थोड़ा थोड़ा मम्मी ने हमें साथ दिया है, अकेले कुछ भी नहीं किया, अकेले मैं कर भी नहीं पाती इतना सारा, और सब कुछ अच्छा था, खाना भी बहुत टेस्टी बना था। सॉरी आप लोगों को इडली नहीं दिखा पाई ना, तो कोई बात नहीं, दिखा दूँगी। और जो सुबह ड्रेस पहनी थी, रेड कलर का टॉप और ब्लैक कलर का जीन्स, तो मैं उसकी पिक शेयर नहीं ले पाई हूँ, तो आप लोगों को नहीं दिखा सकती, और आपको शोर हो रहा होगा, तो मैं बता दूँ आप लोगों को, बर्तन कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं गंदे, तो वो मम्मी साफ कर रही हैं, इसलिए थोड़ा सा आप लोग आवाज़ आ रही है, तो उसके लिए सॉरी। और अब हम सब थोड़ा बहुत काम करके अब हम सब करेंगे थोड़ा सा रेस्ट। हे गाइस, तो ये है मेरा दूसरा आउटफिट,
जबकि मैंने पहन लिया। मैं आप लोगों से अभी कह रही थी कि मैं शाम अभी थोड़ा सा सोऊंगी, रेस्ट करूंगी, तो रेस्ट नहीं किया है क्योंकि फिर जो लाइट है वो थोड़ी सी मती है तो उतने अच्छे से ये नहीं दिखता, इसलिए मैं ये है एक ड्रेस, वन पीस ड्रेस, इसे ये मेरा है शाम का लुक। एक सिंगल चैन डाली है जो कि बहुत अच्छी लग रही है। गाइस मैंने फिर से चेंज कर लिया जैसे कि आप देख सकते हैं, और क्योंकि मुझे लग रही है गर्मी और अब सच में नींद आ रही है और शाम के वैसे भी 4 बज गए, 4:30 बज गए हैं। सो गाइस ये है सेवैया, सेवैया की खीर बना रहे हैं हम और इसको थोड़ा सा भूंज रहे हैं, सेवैया को थोड़ा सा हम भूंज रहे हैं घी में, और जब ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है, अभी ये वाइट वाइट है, जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे। ये है कुछ ड्राई फ्रूट्स और अब हम इन्हें काट लेंगे सेवैया की खीर में डालने के लिए। इसमें हम आपको बता दें काजू है, किशमिश है, बादाम है और चिरौंजी है। तो मैंने ये देखिए ये काट लिए हैं इसे मोटे मोटे, अभी दूध नहीं उबला है, आप देख सकते हैं साइड साइड से कि दूध में उबाल आ रहा है। और ये देखिए सेवैया भी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है, भूंज गई है अच्छे से। अगर आप बना रहे हैं सेवैया की खीर तो आप लोग भी ऐसे ही भूंजें, और इसको भूंजने में हमें कम से कम 3 से 4 मिनट लगा है, मीडियम आँच पर भूंजा है तो 3 से 4 मिनट लगा हमें भूनने में। ये देखिए दूध हमारा पक चुका है अच्छे से। सेवैया बनाने के लिए आपको दूध को 3 से 4 बार उबालना है, उसके बाद ही हमें इसमें सेवैया वगैरह या जो भी है वो इसमें डालना है। तो हम इसे 3-4 बार उबाल और आने देंगे और हम इसमें बार बार चलाते रहेंगे कि ये दूध नीचे लगे ना। तो गाइस दूध में 3 से 4 बार उबाल आ चुका था और अब हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, जैसे आप देख रहे हैं शक्कर भी डाल दी है मैंने, शक्कर आप अपने टेस्ट अनुसार ही डालें। और अब हम इसमें डालेंगे सेवैया। तो गाइस मैंने देखी सेवैया डाल दिया है और इलायची भी डाल दी है, इलायची थोड़ा कूट के डाला है तो इलायची से फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है, बहुत अच्छी लगती है खीर, खीर सेवैया की हो या फिर चावल की हो, अगर उसमें इलायची ना हो तो वो अधूरी अधूरी सी लगती है, तो इलायची डाल के बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है, चाहे चावल की हो खीर या फिर हो सेवैया। सो गाइस हमारी खीर रेडी हो चुकी है, सेवैया की खीर, और इसको बनाने के लिए हमें पूरा 1 घंटा लग चुका है, प्लस सेवैया भूंजी, दूध को मैंने बहुत ज़्यादा उबाला, 4-5 बार उबाला, उसके बाद ही ये तैयार हो चुकी है, गैस अब बंद कर दी मैंने और सेवैया 1 घंटा लगा बनाने में। अगर आप भी सेवैया बनाना चाहते हैं तो आप जितना दूध पकाएंगे, आपको एक ट्रिक दे रही हूँ, अगर आप जितना दूध पकाएंगे आपका उतना ही अच्छा सेवैया बनेगा, और सेवैया को अच्छे से भूंजेंगे लो फ्लेम पे तो भी आपका सेवैया बहुत अच्छा बनेगा। सो गाइस ये मेरा तीसरा आउटफिट जो कि है येलो कलर का टॉप और वाइट कलर का जैगन है, सो ये भी बहुत प्रीटी ड्रेस है और कैमरे में शायद इतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा मगर ये बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोग सोच रहे हो कि अब मैं फिर से कहीं जा रही हूँ, तो जा कहीं नहीं रहे हैं, बस ऐसे ही दिखा दिए, पहन लिए और ऐसे ही आप लोगों को दिखा दिया। सो फ्रेंड्स ये देखिए मेरे दोस्त लोग आए हैं जो कि कैमरे पे नहीं आना चाहते हैं, और ये सब उन्हीं लोगों ने ही डेकोरेट किया है और एक केक भी लेकर आए हैं, मैं आपको बहुत जल्द दिखाऊंगी, पहले मैं तैयार हो जाऊँ फिर आपको दिखाती हूँ। सारे फ्रेंड्स काफ़ी टाइम देर बाद चले जा चुके हैं और सबको बहुत अच्छा लगा, और ये सब मेरे दोस्तों ने ही किया, मेरी फ्रेंड्स आई थी तो उन्होंने ही किया था, ये बलून लगे हैं और भी जगह जगह बलून लगे हैं, तो ये सब उन्हीं लोगों ने डेकोरेट किया था, जबकि मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था और मुझे पता भी नहीं था कि आज शाम को क्या होगा, और आप लोग सोचे कि मैंने क्यों कुछ नहीं दिखाया, इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि कोई कैमरे के सामने नहीं आना चाहता था, वो अपने सब लोग सबका रहता है ना, कुछ लोग कंफर्टेबल होते हैं कैमरा के सामने, कुछ लोग नहीं होते हैं। और शाम को मंगोड़ी बनाई थी मम्मी ने, केक उनके तरफ से आया था जो मैंने आपको अभी दिखाया है, दूसरा वाला जो दिखाया है वो मेरी फ्रेंड्स के तरफ से था। और ये था मेरा छोटा सा बर्थडे पार्टी ब्लॉग, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए,
अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।